हेलो फ्रेंड्स, तो मध्य प्रदेश के विस्तृत जी के में आज हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश की प्रमुख नदी घाटी परियोजनाओं की और इन परियोजनाओं में आज बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश की एक प्रमुख नदी चंबल नदी। तो हम शुरुआत कर रहे हैं आज नदी घाटी परियोजनाओं में चंबल नदी से। यदि हम चंबल नदी की एक और प्रमुख नाम की बात करते हैं तो उसे चरमणीवती भी कहा जाता है। और मध्य प्रदेश की चंबल नदी जो कि हम पिछले वीडियो में नदियों को पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर मैं आपको बता देता हूँ कि इंदौर जिले के मऊ के निकट जानापाऊ पहाड़ी से आपका उद्गम होता है। लगभग 854 किलोमीटर लंबी यह नदी मध्य प्रदेश के इंदौर, धार, देवास, रतलाम और मंदसौर से होती हुई यह नदी वापस राजस्थान में प्रवेश करी। और राजस्थान से वो हम देखते हैं भिंड, मुरैना, श्योपुर जिलों की सीमा बनाते हुए ये आगे जाकर यमुना में मिल जाती। तो हम आज बात कर रहे हैं चंबल नदी की परियोजना की। तो चंबल नदी की हम बात करते हैं तो सन 1953-54 में चंबल नदी पर सबसे पहले जल विद्युत परियोजना का शुभारंभ किया गया था, जो कि मंदसौर जिले के गांधी सागर बांध की हम बात करते हैं तो 53-54 में इसकी शुभारंभ की हम देखते हैं। और 1960 में इस परियोजना को यह परियोजना पूर्ण हो जाती है। उसके बाद हम देखते हैं अगले क्रम में उसी के साथ साथ हम देखते हैं कि राणा प्रताप सागर जो चित्तौड़गढ़ में है, उसके बाद कोटा बैराज जिसे जवाहर सागर के नाम से भी कहा जाता है, तो यह कोटा जिले में पड़ती है राजस्थान की। तो पहली परियोजना है हमारी जो कि मध्य प्रदेश की सबसे पहली जल विद्युत परियोजना है। 1953-54 में इसकी शुरुआत होती है, 1960 में परियोजना पूर्ण होती है। तीन चरणों में परियोजना होती है। पहली परियोजना हम बात कर ली है मंदसौर जिले की गांधी सागर बांध की, जो कि 115 मेगावाट विद्युत उत्पादन करती है। दूसरे में हम बात करते हैं राणा प्रताप सागर जो चित्तौड़गढ़ जिले में पड़ती है राजस्थान की, 172 मेगावाट बिजली उत्पादन करती है। और तीसरी परियोजना की हम बात करते हैं प्रमुख, तो जवाहर सागर जिसे कोटा बैराज भी कहा जाता है, ये तीसरा बांध है और इसकी विद्युत उत्पादन क्षमता 99 मेगावाट है। तो लगभग हम कह सकते हैं कि तीनों परियोजनाओं को एक सम्मिलित रूप में हम देखते हैं तो लगभग 384 या 386 मेगावाट विद्युत उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। कि हम 400 मेगावाट विद्युत उत्पादन के लक्ष्य को भी यहाँ पर मोटे तौर पर देख सकते हैं। तो यह मध्य प्रदेश की सबसे पहली विद्युत जल विद्युत परियोजना थी, ठीक है। और लगभग 2.25 लाख हेक्टेयर कृषि भूमि में इसके द्वारा सिंचाई की जाने का लक्ष्य रखा गया है, तो ये भी हम देख सकते हैं 2.25 लाख हेक्टेयर। सिंचाई तो इस पूरी परियोजना को हमने शॉर्ट में देखा है, मैंने कुछ भी बोर्ड पे नहीं लिखा है, सब कुछ यही डायरेक्ट बोल दिया है। यदि आपको जरूरत लगती है तो ये सारी चीजें बोर्ड पे लिखनी चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बताएं, मैं अगली बार से वापस वही स्टाइल लगा के एक के बाद एक चीजों को बोर्ड पे लिख दूंगा तो आपको स्क्रीन शॉट लेने में, नोट्स बनाने में आसानी होगी, पढ़ने में आसानी होगी। तो दो तरीके होते हैं, या तो आप डायरेक्ट एक्सप्लेन कर दीजिए, दूसरा ग्राफ के माध्यम से बता दीजिए, तीसरा आप डायग्राम के माध्यम से बता दीजिए, और चौथा आप स्टाइल लगा के एक के बाद एक चीजों को लिख सकते हैं। तो चारों में से जो तरीका आपको ठीक लगता है वो तरीका आप मुझे कमेंट करके बताएं कि किस तरीके से मैं इन चीजों को